राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग? और वेलकम टू आवर व्लॉग। और इस व्लॉग में हम जा रहे हैं वृंदावन। और खाटू श्याम जी, हम का मतलब मैं नहीं जा रही हूँ, पूरी फैमिली जा रही है, रिलेटिव्स जा रहे हैं, हमारे नेबर जा रहे हैं, और ये हमारी तैयारियाँ चल रही हैं घर में। और क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ गए थे बीच में, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मैं जा रही हूँ बुआ जी के पास। गलती पता किसकी है? इसने खुद बोला था कि मेरे एग्जाम आएंगे तो थोड़ा डिले कर दो। पहले हमारा प्रोग्राम बना था फेब का, तो इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम पहले तो डिले हुआ, और ये अभी खुद नहीं जा पा रही। देखो इसकी बात। तो कोई बात नहीं, हम लोग के जरिए देखेंगे सारा कुछ। मैंने भी कई बार मिस कराया, ठीक है, अब तू ही मिस करके देखिए। हाँ, कोई बात नहीं। और इस व्लॉग में जाएंगे हम, पहले वृंदावन जी जाएंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? वृंदावन में आगे कई जगह जाना है, मथुरा और क्या, बरसाना जाएंगे, गोकुल वगैरह भी जाएंगे। सभी लोकेशन कवर करेंगे जो कान्हा वाली है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से जाएंगे सीधा राजस्थान। राजस्थान में खाटू श्याम जी और दो लोकेशन भी है, सालासर और माता मंदिर भी है शायद, जाएंगे शायद, अगर टाइम वहाँ जाके देखेंगे, अगर टाइम अगर हमारे पास हुआ तो। सारी रिकॉर्डिंग एक ही ब्लॉग में नहीं होगी, तो फिलहाल तो अब इसको हम छोड़ के आएंगे अपनी बुआ के पास। तो मैं जा रही हूं, छोड़ के आएंगे, शायद उसका भी रिकॉर्ड करें और प्रत्युष को मिल के आएंगे। प्रत्युष तो शायद नहीं होगा वहाँ पे, प्रत्युष शायद ना मिले, चलो देख लेंगे कैसे, पर इसको छोड़ के आएंगे। फिर आगे के ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको दिखाता रहूंगा सारे सीन्स, ठीक है। और होप कि आप एंजॉय करोगे और बहुत सारा प्यार दोगे, मजा आने वाला है, तो बने रहना इस ब्लॉग के साथ। ओके बाय बाय। स्नेहा को छोड़ने जा रहे हैं, ये बच्चा लोग हमारे साथ हैं। hey, हाय बोलो, कैसे हो? हमारे पापा साथ जा रहे हैं। तो स्नेहा कैसा लग रहा है? ठीक ठीक लग रहा है। ठीक ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो गाइस अभी मतलब जाने का टाइम होने वाला है। वैसे तो प्लानिंग हमारी रात की थी 9 बजे जाने की, कि 9:30 निकलेंगे यहाँ से, पर बस हमारी जल्दी आ गई और रिलेटिव्स भी ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। रिलेटिव से और कुछ हमारी बुआ के नॉन थे, बस एक मामू और नानी रह गए, वो आने बाकी हैं, पर हमारी बस आ गई है, तो हम बस देखने आ गए थे। तो ये देखो हमारी बस। सही है, बड़ी बस है पूरी, 60-65 बंदे आ जाएंगे आराम से। चप्पल बाकी देंगे, आप तैयार हो? अंदर जाके देख लेते हैं बस अंदर से कैसी है। क्या बस चेंज कर देना एट अ टाइम, वो देख लिया। देखो ये है बस, अच्छी लग रही है। क्या? तीन सीट, बाकी। हेलो तो बोल दे, ये मेरा भाई मनी है, छोटे वाला। ये शायद आपको याद हो, वो कार में भी दिखा था ना, शिवम। तो घर चलते हैं, घर जाके जो सामान वगैरह है हमारा वो बस में शिफ्ट कर देते हैं लाके, उसके बाद देखते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट चले गए हैं बस में अपना सामान रखने, बस अभी बचे हैं घर की कुछ मेम्बर हैं और हमारे कुछ रिलेटिव हैं। तो हमेशा की तरह लास्ट में कौन है? मेरे मम्मी और मैं भी हूँ, ठीक है। तो बस हम दोनों फाइनल तैयार हो रहे हैं, अपना सामान वगैरह हम लेके जाएंगे, बाकी का चला गया बस, फिर रूम घर को लॉक वगैरह लगा के हम भी निकलेंगे। तो हमारे नानी और मामू भी आ चुके हैं, तो मतलब सभी पूरे हैं, सभी आ चुके हैं, दिखाता हूँ। हेलो नानी, शिवम कैसे हो? ये रहे हमने बुआ। बुआ जी बोलो हाय। हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। हमारा मंदिर है ये,
ओके दादा जी बिल्कुल, ये खाटू श्याम जी और ये यहीं पे रहेंगे 3-4 दिन, और जो खाना है खाना हमारे साथ चलेंगे, ये यहीं पे रहेंगे हमेशा के लिए, यहीं रहेंगे वैसे तो ठीक है, और जो खाना है खाना चलेंगे हमारे साथ। इसमें खाना खाना एक ही है और एक ही छोटे से खाना, ये नहीं है किसी दीदी के खाना, ये तो इनको वहाँ पे टच करवा के लेके आना है इस बारी, तो इनको भी टोपी दे देते हैं अगर इनके आती है तो। तो हमारी जितनी भी ये पूरी यात्रा रहेगी उस यात्रा में जो हमारे वाले खाना है वो मेरे साथ ही रहेंगे, और ये वाले रहेंगे मम्मा और के साथ ही, वो देखेंगे इनको, ये वाले मेरे साथ रहेंगे ठीक है। तो चलो चलते हैं, बाकी सामान वगैरह पैक हो चुका है, अब पापा का वेट है, पापा भी शायद आने वाले हैं तो चलते हैं। सब एक बस के पास इकट्ठे हो चुके हैं, घर हमने माथा टेक लिया था, तो अब हमारा जो यहाँ का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करके सभी निकलेंगे यहाँ से, तो बस निकल पड़ेगी, बस मेरे घर वाले भी आ गए सामने, तो सभी जैसे 10-15 मिनट माथा टेक के निकलेंगे, तो ठीक है माथा टेक के निकलेंगे यहाँ से, सभी बस में बैठ चुके हैं वैसे तो। चलो तो अब हम मंदिर में पहुँच गए हैं, तो मंदिर में दर्शन करने के लिए ये रहे हमारे ठाकुर जी, लक्ष्मी नारायण भगवान, तो चलो चलते हैं। सभी ने मंदिर में माथा टेक लिया, दर्शन कर लिए हैं, तो बस मम्मी पापा गए हैं खेड़े में माथा टेकने, वो आएंगे तो हम भी बस में बैठ के निकलेंगे, तो बस में चलते हैं, चलो चलते हैं। मम्मी उधर वाली बीच वाली में बैठो, यहाँ दो वाली में आपको दिक्कत होगी। दादी बुआ बैठे हैं साथ में, मम्मी बैठे हैं पीछे, पीछे बैठे हैं, तो बीच बीच में उनके पास भी जाऊंगा मिलने। बाकी यहाँ से बस चल पड़ी है हमारे टाउन से, तो देखते हैं आगे और भी कुछ लोग मिलेंगे हमें, अभी कुछ सीट्स खाली पड़ी हैं, 6-7 लोग हैं, वो हमें शायद करड मिलेंगे, तो पहले उनको पिक करेंगे, उसके बाद फिर आगे अपनी कंटिन्यू करेंगे जर्नी टू डायरेक्टली वृंदावन, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होगा, डायरेक्टली वृंदावन चलेंगे, सो अच्छी भरने वाली जर्नी, तो बीच में आपको अपडेट करता रहूँगा मैं। ओके हरे कृष्णा। Oh, my God.
अभी हमने एक स्टॉप पे रुक के खाना वगैरह खा लिया है, सभी ने खा लिया है और अब हम आगे चलेंगे। आगे हमने कैरी करना है, किसको पिक करना है? नितिन कुक्कड़ को। बस आगे हो, फिर कंटिन्यू करेंगे टू वृंदावन। Bye.
चार घंटे के सफर के बाद अभी 1:15 बज रहे हैं और रुके हैं कहीं चाय पीने के लिए। 20-25 मिनट की ब्रेक है, थक गए। बस ने सभी ने काफी अच्छे अच्छे भजन गाए हैं, अच्छे अच्छे डांस भी करेंगे उन्हें, तो वीडियो वगैरह मैंने प्रॉपर बनाई है सभी की। बीच में तो मुझे नींद भी आ गई थी, आधा घंटा मैंने नींद पूरी करी अपनी, पूरी पूरी नहीं हुई, पूरी करेंगे बाद में। फिलहाल तो चाय पियेंगे, क्या पियेंगे अम्मा? चाय पियेंगे, चाय चाय गर्म चाय। चलो चाय पीते हैं। चाय प्लेस, व्हाट इज दिस? दिस इज शिव ढाबा।